हुई और इधर अदरक अदरक भी रखी हुई है, लहसुन वगैरह रखा जा रहा है। देखो कितने अच्छे तरीके से। दोस्तों वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों आज हम जाने वाले हमारे मालेगांव की सबसे बड़ी सब्जी मार्केट, तो वहाँ चलेंगे। सब्जी मार्केट जितनी भी वहाँ थोड़ा घूमेंगे, सब्जी वगैरह भी थोड़ा देखेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे घुमाएंगे हमारे शहर में कौन कौन सी सब्जी आपको मिलेंगी। ओके तो चले रहिए, बने रहिए वीडियो पर। चलो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो इस साइड भी आपको अनार की खेती मिलेंगी, देख सकते हैं। यहाँ भी अनार पैकिंग हो रहा है, काफ़ी अच्छे तरीके से पैकिंग हो रहा है, देख सकते हैं। और उस साइड भी अभी हम वहाँ तो मेरे पीछे देख सकते हैं, अभी यहाँ हमने अनार का देखा था, वहाँ भी खेत है, वहाँ पैकिंग कर रहे थे सारे लोग, काफ़ी अच्छे तरीके से पैकिंग कर रहे थे। यहाँ पैकिंग में बाहर माल जाता है और उस जगह पर भी हम थे, अभी वहाँ पर भी हम थे, वहाँ भी थोड़ा सा शूट किया, काफ़ी अच्छे लोग पैकिंग कर रहे थे। अभी चलो चलते हैं, हाँ सब्ज़ी वगैरह मिलती है तो वहाँ चलेंगे, अभी लोगों से थोड़ा सी बातचीत करेंगे, थोड़ा सब्जी वगैरह भी आप लोगों को दिखाएंगे। खीरा, करेला और करम कद्दू कितना अच्छा दिख रहा है, सर गर्दी वगैरह भी काफ़ी अच्छी दिख रही है। अभी थोड़ा और आगे चलेंगे और भी आगे बहुत ज़्यादा गर्दी वगैरह दिख रही है, तो अभी चलेंगे इस साइड भी चलेंगे। टमाटर वगैरह रखा ही है, देखो ये टमाटर भी देखो ये कैसा है, इस साइड भी थोड़ा ये देखो वहाँ कद्दू वगैरह रखा हुआ है, इस साइड भी कद्दू रखा हुआ है। देखो इतना ढेर सारा माल है, यहाँ कद्दू वगैरह रखा हुआ है, गोभी वगैरह भी सब सारा का सारा रखा हुआ है। कल्ला का झाला अकेले कितना ढेर, करम कल्ला अकेले, ये देखो यहाँ भी, ये देखो उस टाइप में प्याज है, प्याज उसका भी गोदाम है। ये देखो आपको यहाँ करम कल्ला मिलेगा, कुछ टाइप में प्याज है, ये देखो इतना ढेर सारा मिल रहा है, लहसुन वगैरह भी है। ये देखो यहाँ पे ये लहसुन वगैरह आपको मिलेगा, यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, इस टाइप भी लहसुन वगैरह दिखेगा। बहुत ढेर सारा जो इधर खाने पीने की सब्जी वगैरह आपको मिलेंगी और काफ़ी अच्छे रेट में मिलेंगी, प्याज करम कल्ला जितनी सारी सब्जी आपका अवेलेबल मिलेंगी। और ये मालेगांव की सबसे बड़ी मार्केट है, सबसे बड़ी, आपको सुबह ही सुबह आना पड़ेगा और सुबह ही सुबह आपको यहाँ हर चीज़ मिलेंगी। अलग अभी काफ़ी टाइम हो गया हमको आने के लिए, तो थोड़ा भी और आगे चलेंगे, देखेंगे और आगे चल के क्यों। ये देखें कितना ज़्यादा अच्छा नज़ारा दिख रहा है आपको पीछे का, और चलते हैं आगे, आगे चल के देखेंगे आपको आगे और भी ज़्यादा आपको सब्जी देखने को मिलेंगी, बहुत ज़्यादा सब्जी देखने को मिलेंगी, थोड़ा सा ट्राई करके आप लोगों को दिखाएंगे। ओके शिमला मिर्च इतना ढेर सब रखा हुआ है, या इसकी अभी बिक्री नहीं हुई है, देखो कितना ढेर है शिमला मिर्चा। ओके अभी बहुत ढेर चीज़ें आपको रखी हुई मिलेंगी। क्या भाई कितनी मिर्ची, क्या भाव है अभी मिर्ची, हाँ 40, अरे अरे मान मिर्ची 40 रुपया भाव है। ओह तो देखो मिर्ची 40 रुपया पाव, यहाँ देखो ये टमाटर, ये गाजरा भी दिख जाएगा, और ढेर सारे आइटम यहाँ भी आपको मिल जाएंगे, देखे रखने हुए इतने ढेर। इधर गाड़ियाँ भी खड़ी है, ये देखो, और इधर गर्दी वगैरह देखो, इधर भी बहुत सारी गर्दी है, इस साइड भी आपको गर्दी वगैरह मिल जाएंगी, बहुत ढेर गर्दी वगैरह है। अभी सब्जी वगैरह और भी आगे है, और भी आगे मिलेंगी, थोड़ा सा चलते हैं आगे देखने के लिए, हो सकता है आगे और भी ज़्यादा गर्दी मिलेंगी सब्जी वगैरह। ओके तो चलो चलते रहे, थोड़ा वीडियो को देखते रहें। तो ये देखो यहाँ से माल उतारा जा रहा है, ये रखते हुए देखो, इधर ये इधर भी, काफ़ी अच्छा तरीका है। और ये यहाँ से माल आपके शहर भी आता होगा, शायद आता होगा, हमारे शहर में सबसे बड़ी मार्केट है सब्जी मार्केट। तो यार वीडियो अगर मालेगांव से, तो वीडियो को लाइक करे, शेयर करे। ओके अभी और आगे चलेंगे, और भी आगे उस साइड में काफ़ी अच्छी जगह, चलो चलते रहें, तो चलते देखता भी और आगे भी, चलो दिखेंगे। अनाज भी यहाँ पे रखा हुआ है, इस साइड भी अनाज आपको दिख जाएगा रखा हुआ, थोड़ा सी चलते अभी, चलकर थोड़ा पूछते हैं उन लोगों से आखिरकार इसमें रखा क्या हुआ है, थोड़ा सी चलेंगे ऊपर वहाँ जहाँ बैठे हुए हैं उन लोगों से पूछेंगे, इस बोरे में चावल या गेहूँ है, थोड़ा चलते ऊपर चल के पूछते हैं उन लोगों से आखिर इसमें रखा क्या है, क्या रखा इसमें, सोयाबीन और चना, चना और सोयाबीन,
तो देख सकते हैं कितना अच्छा है। अरे मक्का भी इसमें इसके अंदर रखा हुआ है, चना सोयाबीन मक्का, कितना अच्छा बड़ा गोडाउन है देखना। अभी थोड़ा सी और भी आगे चलेंगे, गोडाउन और भी आगे भी है, गोडाउन काफी अच्छा बड़ा है वो भी, वहाँ भी चल कर थोड़ा सी देखेंगे वहाँ थैले में क्या होता है। यहाँ तो आपको मिल गया चना मक्का और सोयाबीन, तो आगे भी थोड़ा सी और चलेंगे देखेंगे वहाँ क्या मिलता है। ओके, तो यहाँ कितना मक्का वगैरह पड़ा है, अनाज भी पड़ा हुआ है इतना ढेर सारा, लेकिन वहाँ गोदाम में कोई है ही नहीं। हम वहाँ गए हुए थे, वहाँ कोई भी इंसान नहीं मिला, अभी अगर कोई होता तो हम तो वहाँ से पूछते वगैरह ज़रा जानकारी लेते अगर इसी थैले में क्या रखा हुआ है। तो इस वीडियो करते यहीं करते हैं एंड। वीडियो अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को पहली बार कराए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। ओके।